तरीके से सेक्शन 9-4 था। और जब सेक्शन 9-4 आया 1 जुलाई 2017 से, कब से आया भाई ये? 1 जुलाई 2017 से। और जब ये 1 जुलाई 2017 से आया तो इस सेक्शन में लिखा हुआ था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेज करोगे तो 5,000 रुपए तक पर डे का परचेज करोगे, उससे ज्यादा परचेज करोगे तो आरसीएम देना पड़ेगा। और ये सेक्शन आया 1 जुलाई 2017 को, इस पे हाहाकार मचा, और हाहाकार मचने के बाद 13 अक्टूबर 2017 को ये सेक्शन पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस सेक्शन का खौफ क्या है? 6 साल बाद भी लोग मेरे से पूछते हैं, 6 साल बाद भी लोग मेरे से पूछते हैं, मैंने अनरजिस्टर्ड से परचेज करा, आरसीएम लगेगा? मैं कंपोजिशन हूं, अनरजिस्टर्ड से परचेज करता हूं, आरसीएम लगेगा? तो इसकी अफवाहें इतनी ज्यादा है। लेकिन जो 9-4 है, अब का 9-4 क्या कहता है? अब का सेक्शन 9-4 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना? अब ये कह रहे सर 9-3 में लगेगा क्या? अभी इन्हें 9-3 पढ़ा कर आया हूं कि 9-3 किस पर लगता है? 20 सर्विसेज पर। कितनी सर्विसेज पर? 20 सर्विसेज होंगी और ज्यादा से ज्यादा 10 गुड्स होंगे। कितनी सर्विस होंगी भाई साहब? 20 सर्विसेज होंगी और ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? 10 गुड्स होंगे। उन्हीं पर आरसीएम लगता है और किसी पर नहीं लगता, समझ में आई? आरसीएम 20 सर्विसेज पे लगता है, 10 गुड्स पे लगता है। उनकी लिस्ट, ठीक है ना, जब बुक आएगी उसके अंदर आ जाएगी, नहीं तो इस वाली बुक में भी वो लिस्ट है, ठीक है ना, सर्विस की वो वाली लिस्ट है, ठीक है ना, सर्विस की वो वाली लिस्ट है। अब मुद्दा ये आता है भाई, ये जो 9-4 है, ये जो 9-4 है, ठीक है, ये नया 9-4 क्या कहता है? तो भाई नया 9-4 ये कहता है, पुराने और नए में अंतर समझना, पुराने और नए में अंतर समझना, कि ये लगेगा स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस पर। ये किस पे लगेगा? स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस पर ही लगेगा। ये लगेगा स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस पर ही। लेकिन अगर तुम किसी अनरजिस्टर्ड से लोगे तभी लगेगा। 9-4 का आरसीएम कब लगता है? जब तुम किसी अनरजिस्टर्ड से लेते हो। और 9-3 का कब लगता है? चाहे रजिस्टर्ड से लो चाहे अनरजिस्टर्ड से लो, कोई मतलब नहीं। 9-4 कब लगेगा? जब तुम अनरजिस्टर्ड से लोगे और स्पेसिफाई ए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। किस पर लगेगा? जो लेने वाला है वो स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए। और एक ही पर्सन अभी तक स्पेसिफाइड है, प्रमोटर्स। कौन स्पेसिफाइड है? प्रमोटर्स, ठीक है। और स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस पे होना चाहिए। तो 9-3 और 9-4 में अंतर क्लियर हुआ या नहीं? 9-3 और 9-4 में अंतर क्लियर हुआ या नहीं? बोलो बोलो बोलो। 9-3 और 9-4 का अंतर क्लियर हुआ या नहीं? देखो यहां से समझ लो, यहां पर समझ लो 9-3 और 9-4 का। 9-3 में कब लगेगा? जो सप्लायर होगा गुड्स और सर्विस का, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी। आप जिससे गुड्स या सर्विस ले रहे हो वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी। स्टेटस ऑफ रिसिपिएंट क्या है? वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी। वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी। और 9-4 का आरसीएम कब लगेगा? जब आप किसी अनरजिस्टर्ड से लोगे। और 9-4 का आरसीएम कब लगेगा? जब वो रजिस्टर्ड पर्सन को देगा। रिसिपिएंट क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड। और सप्लायर क्या होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड। क्लियर है या नहीं? 9-3 के आरसीएम और 9-4 के आरसीएम में अंतर क्लियर हुआ या नहीं? एग्जाम्पल महेंद्र सिंह जी, 9-3 के तो एग्जाम्पल मैंने बता दिए, किसान से काजू खरीद रहे हो, किसान से काजू खरीद रहे हो, जीटीए की सर्विस ले रहे हो, ठीक है ना। 9-4 का आरसीएम क्या है? एक प्रमोटर। प्रमोटर कौन? जो बिल्डर्स है, जो बिल्डर्स है, बिल्डिंग बना रहा है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है। और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीद रहा है, वो 9-4 का एग्जाम्पल। क्लियर है?